Yes, good afternoon, dear students. Good afternoon, everyone. Welcome to An Academy, India's largest online learning platform. And subscribe An Academy right now. An Academy subscribe करने से आपको मिलते हैं daily live classes, you'll getting structured course, live tests and quizzes, and unlimited access. So, guys, you'll getting India on one platform. Myself, Gaurav Gupta, I'm author, mentor, motivator, having experience of 8 years, mentored more than 85,000 students across the country, and I have this institutes in Delhi. This is my official profile link of An Academy. Please follow this. And this is my official Telegram channel. Do join this channel so that you can get PDF of the lectures. So guys, 15,000 plus courses are available on An Academy. And these courses has been designed wonderfully to ensure success in the exam. An Academy Plus, which is basic course, An Academy has 2 years fees is 72,000 rupees. And GG 10 code apply karke instantly you 10% ka discount. Milega. Ki fees will be 64,800 rupees for 2 years. Guys, An Academy Iconic latest advanced program is 2 years ki fees of 1,15,750 rupees. इससे आपको पर्सनल कोच एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है हेल्प करते हैं प्रिपरेशन करने में. जीजी 10 कोड आप अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. आपकी फीस हो जाएगी 1,04,175 रुपीज. सो गाइस, प्लस कोर्स आइकॉनिक कोर्स है. प्लस कोर्स के फीचर्स के साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटीरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस सब कुछ मिल रहा है. सो गाइज, अन अकेडमी ने ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया. इसकी वन ईयर की फी है 27,500 रुपीज. और जीजी 10 कोड अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आपकी फी हो जाएगी 24,750 रुपीज. सो गाइज, अन अकेडमी ने कॉम्बो भी लॉन्च कर दिया है. जीएस आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल प्लस कोर्स की कंबाइंड फीस आफ्टर डिस्काउंट 99,680 रुपीज फॉर 2 ईयर्स. सो जस्ट ज्वाइन दिस राइट नाउ. एंड ईएमआई ऑप्शन, नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. जस्ट ज्वाइन दिस राइट नाउ. सो गाइज, these are the test series An Academy Pathfinder exclusively for current affairs. This is another test series for current affairs Impulse, and Rise test series is exclusively for the entire GS syllabus. So these are the batch courses which has been started recently. Just join them right now as per your requirement. So An Academy Combo course, An Academy Combat test. So it is a scholarship test of worth rupees 4 crore rupees, and it will be conducted on 21st March at 11 AM morning. And GG 10 apply karenge aap code to instantly aapko ye free of cost test series mil jayegi karne ke liye. So guys, let us start the session now. Yesterday we have studied about Asia. Okay, some basic points we have studied about Asia. So practice is mein kyunki map based world geography ke agar hum log baat karte hain, so mainly they ask about map based questions. तो इसके लिए गाइज विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस शॉर्टली. बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जरूर इसमें हमें देखना पड़ेगा. सो ब्राज़ील की अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील में सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑब्वियसली इज ब्राज़ील. सॉरी, साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री इज ब्राज़ील. ओके, देन बॉलीविया एंड पराग्वे, ये दो कंट्रीज है विच आर लैंडलॉक कंट्रीज. लेक टिटिकाका इज द हाइएस्ट फ्रेश वाटर बोटिंग लेक विच इज बॉर्डर्ड बाय पेरू एंड बॉलीविया. ओके, एंड चिली इज बेसिकली फेमस फॉर इज पॉपुलर फॉर कॉपर माइनिंग. अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्जेंटीना इज हाईली फेमस फॉर इट्स मीट पैकेज इंडस्ट्री. पैकेज मीट इंडस्ट्री के लिए अर्जेंटीना इज वेरी फेमस. क्यों? बिकॉज इन अर्जेंटीना यू विल फाइंड अल्फा अल्फा ग्रास. ठीक है, यहाँ पे पंपास ग्रास लैंड मिलेंगे, और इन पंपास ग्रास लैंड में अल्फा अल्फा ग्रास ग्रो की जाती है. एंड दिस ग्रास इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी रिच इन प्रोटीन ऑलवेज. ठीक है, यस. सो अमेजन बेसिन एंड वेस्टर्न कोलंबिया अराउंड एस्टमास पनामा आर वेरी हाई रेनफॉल रीजन्स. दिस एंटायर रीजन, दिस इज वेरी हाई रेनफॉल रीजन. पेरुवियन कोस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड पेरू और हम्बोल्ट करंट. नॉर्दर्न चिली एंड वेस्टर्न एंड साउथ सदर्न अर्जेंटीना रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल. अब ये वाला जो रीजन है ये डेजर्ट रीजन में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट का इन्फ्लुएंस रहता है. अब जब भी किसी कोस्ट पे कोल्ड करंट अगर आएगी तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी. जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ड्राई एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी. सो द ब्राज़ीलियन कोस्ट सदर्न उरुग्वे एंड सराउंडिंग एरिया रियो डी ला प्लाटा एंड ब्यूनस एरिस इन अर्जेंटीना अराउंड सेंटियागो एंड सेंट्रल चिली पेरुवियन कोस्ट माउंटेन रीजन्स ऑफ इक्वाडोर एंड कोलंबिया दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स. सो बेसिकली क्या है, जैसे ये जो रीजन्स है, जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ के खास तौर पर, जैसे फोर्टालेजा, ब्राज़ीलिया, ओके, तो ये सब रीजन्स क्या है, दे आर हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स. मतलब मान के चलेगा कि ब्राज़ील के अराउंड 80% पॉपुलेशन जो है इट इज़ रिसाइडिंग इन द कोस्टल रीजन्स इट्सेल्फ. क्योंकि अंदर के एरिया ये अमेजन फॉरेस्ट बेसिन सब स्टार्ट हो जाता है.
सो वेरी हार्श क्लाइमेट कंडीशंस विल बी देयर, जहाँ पे जो लार्ज स्केल पॉपुलेशन है या लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू सर्वाइव देयर. सो देयर इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज फाउंड इन द सेंट्रल चिली, ये रीजन है. तो यहाँ पे बेसिकली करंट्स का इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा और वेजिटेशन भी मेडिटेरेनियन वाली मिलेगी. यस, सबको क्लियर है ये? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो लाइव स्टॉक रेंचिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग वाला हो गया कि जब बेसिकली आप बड़े लेवल पे लाइव स्टॉक्स को पालन पोषण कर रहे हैं फॉर देयर मीट, स्किन, हाइड्स एंड ऑल दिस थिंग. सो लाइव स्टॉक रेंचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्जेंटीना. सिंपल रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पंपास ग्रासलैंड मिल रहे हैं, जिसमें बेसिकली अल्फा अल्फा ग्रास बहुत कंटिन्यूस, बहुत मेजरली ग्रो की जाती है एंड दिस ग्रास इज वेरी न्यूट्रिशियस. सो लापाज इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, बोलीविया के कैपिटल लापाज, ठीक है. सो इट इज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड. ब्रासिलिया लाइज इन द कैंपोस रीजन. तो यहाँ का जो मतलब बेसिकली रीजन है ये, यहाँ के फॉरेस्ट रीजन को हम बोलते हैं कैंपोस. तो आपको याद रखना है, आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा लैनोस, कैंपोस, पंपास, ठीक है. तो इस तरह से आपको नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करके रखना है. सो गाइस, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बोलीविया, पराग्वे, ये दोनों कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, ठीक है. लेक टिटिकाका किसके बीच में? इट इज़ बिटवीन पेरू एंड बोलीविया. तो ओनली कंट्री विच इज़ नॉट मेकिंग एनी बाउंड्री विद ब्राज़ील, अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील के साथ सारी कंट्रीज साउथ अमेरिका, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर मेकिंग बाउंड्री विद ब्राज़ील एक्सेप्ट टू कंट्रीज. व्हाट आर द नेम ऑफ दोज टू कंट्रीज? इक्वाडोर एंड चिली. इक्वाडोर एंड चिली दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ बॉर्डर विद ब्राज़ील. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. एंड दिस इज पनामा स्थमस. सो कोस्टा रिका, निकारागुआ, दीज आर द कंट्रीज विच आर हैविंग कोस्ट लाइन टुवर्ड्स बोथ पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. ये जो रीजन होगा, दिस इज द कैरिबियन सी रीजन, जो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक सी से मिल रहा है जाके. यस, सबको क्लियर है ये? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर एक दूसरा रीजन है साउथ पोलो, जो ब्राजील में लोकेटेड है, और ये एक बहुत ही बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन है सदर्न हेमिस्फेयर में. तो ये पड़ रहा है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फेयर में, ओके, साउथ पोलो. और एग्लोमरेशन का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर वर्किंग पॉपुलेशन का, ठीक है. अब ये क्वेश्चन देखो, कल हमने रात को प्रैक्टिस भी किया था कि जो कॉफी एस्टेट्स है ब्राज़ील में, दे आर नोन एज फजेंडाज, ठीक है. जो कॉफी गार्डन्स है ब्राज़ील में, दे आर नोन एज फजेंडा, और जो फार्मर इन कॉफी गार्डन्स में काम करते हैं उनको बोलते हैं फेला, दे आर कॉल्ड फेला, ओके. देन रियो डी जेनेरियो इज नोन फॉर शुगर लोफ माउंटेन्स. देन मनॉस इज मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर इन द अपर पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन. देन बिलिम इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ द अमेजन रिवर एंड इट इज अ चीफ पोर्ट ऑफ द अमेजन बेसिन. देन रिसाइफ इज अ पोर्ट विच एक्सपोर्ट्स शुगर केन. एंड चूंकि कमाटा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन, चिली में लोकेटेड है, और मैंने आपको बताया कि चिली इज हाईली फेमस फॉर कॉपर माइनिंग, ठीक है. कॉपर माइनिंग के लिए चिली इज वेरी फेमस. एंड इसकी सबसे सदर्न मोस्ट जो सिटी है इनहैबिटेड, वो है पुंटा एरिनास, इज द सदर्न मोस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है. सबसे सदर्न मोस्ट इनहैबिटेड सिटी, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है. तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीका पे. अब अफ्रीका में आपको ध्यान रखना है पहले तो लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है. जैसे यहाँ आपको दिखाई देगी नाइजर, चाड, देन यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, ठीक है. इसके अलावा आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. लैंडलॉक कंट्रीज बहुत सारी हैं इसमें, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर जाम्बिया, इधर जाता बोट्सवाना, इधर जाता जिम्बाब्वे. सो ये सब क्या है? लैंड लॉक कंट्रीज है, यानी कि दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ कोस्टल बाउंड्री. देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी, जो विक्टोरिया लेक है विच इज़ द सोर्स ऑफ वाइट नाइल रिवर, तो ये विक्टोरिया लेक कितनी कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बना रही है. तो गाइज, इन क्वेश्चन को प्लीज़ लिखते रहो अपनी डायरी में या अपने रजिस्टर में, और इनको ऑब्जर्व करना है आपको, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, ओके. सो अफ्रीका की अगर हम बात करते तो इसके, दिस इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ, एंड इस इज अ कॉन्टिनेंट जिसपे बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर तीनों क्रॉस हो रहे हैं, ओके.
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है इसका 51 डिग्री ईस्ट टू 6 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और एरिया वाइज अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया, देन जायरे, देन लिबिया, देन चाड, देन नाइजर, देन अंगोला, देन माली। प्रीवियसली इट वॉज सूडान लार्जेस्ट कंट्री, बट सूडान जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया सो अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं गाइस? तो माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इथोपिया, बोट्सवाना, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। जस्ट चेक देम ऑन द मैप, एटलस निकालो जल्दी से, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, एंड चेक दिस आउट, प्लीज चेक इट आउट गाइस, प्लीज चेक इट आउट ऑन मैप, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस निकालिए सब लोग प्लीज। ओके, देन मेडागास्कर तो इसकी एक ऑफशोर टेरिटरी हो ही गई, ठीक है, जो बेसिकली जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन होगी। लेकिन मेन लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम मेन लैंड की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? सोमालिया की, देन मोजम्बिक, देन साउथ अफ्रीका एंड देन इजिप्ट, ठीक है। तो SMSE करके याद कर सकते हो इसको, SMSE, इट इज सोमालिया, मोजम्बिक, देन साउथ अफ्रीका, देन इजिप्ट। ओके, सो जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो हम बोलेंगे कि विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आपका आंसर होगा गुजरात, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। लेकिन इंडिया की जो सी जो कोस्टल टेरिटरी है, जैसे कि अंडमान निकोबार, अगर आप पूरे अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन आप मेजर करेंगे तो इट्स कोस्ट लाइन इज फार मोर लॉन्गर एज कम्पेयर टू गुजरात। तो अगर हम स्टेट यूटी को क्लब करते हैं तो इन दैट केस लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विल बी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, देन सेकेंड पे कहाँ आएगा? गुजरात, राइट। सेम केस इज हियर, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मेनलैंड का पार्ट हो गया, मेनलैंड में अल्जीरिया की सोमालिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, बट अगर हम मेडागास्कर को इंक्लूड करेंगे तो मेडागास्कर की कोस्ट लाइन इन सबसे लंबी आएगी। ये क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी बताइए जल्दी से, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म गाइस, यस, यस गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो अगर हम नामीबिया को यहाँ पे देखते हैं तो नामीबिया हैज़ अ पैन हैंडल, यानी कि प्रोट्रूडिंग पार्ट है, यानी कि एक प्रोजेक्टिंग पार्ट है, पॉइंटेड पार्ट है, राइट। इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू जाम्बेजी रिवर, इट इज़ अ कॉलोनियल लीगेसी एंड इज नोन एज कैप्रिवी स्ट्रिप। लिसोथो इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई साउथ अफ्रीका, वेयर एज स्वाजीलैंड इज ट्रैप्ड बिटवीन मोजम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। दिस मेक्स साउथ अफ्रीका अ परफोरेटेड स्टेट। लेटेस्ट कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस इन अफ्रीका इज इरिट्रिया। ओके, देन इक्वेटर पासिस थ्रू गैबोन, कॉन्गो, जायरे, युगांडा, लेक विक्टोरिया एंड केनिया। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजम्बिक। ये पॉइंट्स जरूर याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करके जा रहा है, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करके जा रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, सो द कॉलोनियल रूल्स इन अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो ये सब टेरिटरीज हैं जो बेसिकली देवर प्रीवियसली अंडर द कॉलोनी, चेक देम आउट,
लाइबेरिया वॉज फॉर्म्ड एज अ कंट्री ऑफ सेटलमेंट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया इज मोनरोवा. इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द प्रेजिडेंट मोनरो ऑफ यूएसए. एंड इथोपिया एंड लाइबेरिया देवर नेवर कॉलोनीज. ठीक है, इथोपिया और लाइबेरिया देवर नेवर कॉलोनीज. दिस रीजन इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका. इसको आप याद कर सकते हो एस ए सीड. इस एक्रोनिम से याद कर सकते हो. सीड क्या हो गया? सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूटी. तो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री कंबाइंस टू फॉर्म हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो इट इज बेसिकली, एक तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका अरेबियन सी. तो ये प्रोट्रूडिंग पार्ट है, प्रोजेक्टिंग पार्ट है ये भी एक. देन एटलस माउंटेन्स जो कि मोरक्को और अल्जीरिया से गुजर रहे हैं. ठीक है, देन एहगर माउंटेन्स. इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जैसे कि माउंट टिबेस, माउंट केनिया एंड ड्रेकेंसबर्ग. इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की बात करते हैं तो कालाहारी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. लिबियन डेजर्ट, इसके अलावा नाबियन डेजर्ट एंड नामीब डेजर्ट. इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन सा गाइस? तो मेडागास्कर, ये वाला. ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका. नाइल आपको बताया कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है. ठीक है, और नाइल कैसे बनी है? इट हैज बीन फॉर्म बाय द मर्जिंग ऑफ ब्लू नाइल विद व्हाइट नाइल. और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहाँ पे मर्ज हो रही है? तो दे आर मर्जिंग एट खार्टूम विच इज द कैपिटल ऑफ सूडान. यहाँ पे मर्ज हो रही है और इसके बाद ये रिवर एक सिंगल फॉर्म में चल रही है. उससे पहले आप देखोगे दिस इज द व्हाइट नाइल, दिस इज द ब्लू नाइल, और दोनों यहाँ पे मर्ज हो रही है. कहाँ पे? खार्टूम, द कैपिटल ऑफ सूडान, राइट. इसके अलावा नाइजर रिवर, ऑरेंज रिवर, जायरे रिवर एंड लिम्पोपो एंड जम्बेजी रिवर. तो जायरे रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, मतलब जायरे रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस. तो जायरे रिवर कुछ इस तरह से फ्लो होती है. तो इट कट्स इक्वेटर करते हैं. तो इट इज नोन फॉर कॉपर डिपॉजिट्स इन जायरे और जाम्बिया. असल लेक न्यासा, लेक कैबा, विक्टोरिया, लेक नासर, लेक चार्ड एंड वोल्टा. हॉर्न ऑफ अफ्रीका गाइस, जस्ट आई डिस्कस हियर. यस यस, गुड आफ्टरनून धीरज, हाउ आर यू? सो कंट्रीज इंक्लूड इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, इथोपिया. तो इनको आप सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में याद करो, सीड. ठीक है, सीड क्या क्या? एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिथिया, ई फॉर इथोपिया एंड जिबूटी. तो ये डी साइलेंट है यहाँ पे, राइट. लेक्स की बात करेंगे गाइस, तो लार्जेस्ट लेक तो विक्टोरिया लेक है विच इज द सोर्स ऑफ नाइल रिवर. युगांडा और ये किसके साथ बाउंड्री बनाती है? युगांडा, केनियन, तंजानिया के साथ. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग कि लेक विक्टोरिया इज मेकिंग कोस्ट लाइन विद युगांडा, केनिया एंड तंजानिया. लेक ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, द लेक लेक टुरकाना, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, गानिका, लेक मलावी एंड ऑल्सो नोन एज लेक न्यास. यस, आई एम गुड धीरज, आई एम गुड. जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अफ्रीका के वो हमने देख लिए. इनको देखो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी हमें करने हैं. अभी इनके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम इनको प्रैक्टिस करेंगे. ओके, अब यूरोप पे आते हैं. तो रिवर डेन्यूब फ्लोस थ्रू बवेरिया. बवेरिया कहाँ पे जाएगा? जर्मनी में. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन प्लेन एंड यूगोस्लाविया एंड देन अलोंग द बुल्गेरिया रोमेनिया बॉर्डर्स इनटू द ब्लैक सी. द सदर्न हाईलैंड्स ऑफ यूरोप इंक्लूड वास्ट स्ट्रेच ऑफ आल्प्स माउंटेन इन साउथ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्दर्न इटली, डिनारिक आल्प्स इन क्रोशिया एंड बॉस्नियन हर्जगोविनिया. ओके, देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट है जैसा माउंट पिंडस माउंटेन्स, देन कैंटाब्रियन माउंटेन्स. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस. द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट एल्बर्स जो इन द कॉकेसस माउंटेन रेंज. माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लैंक इज द हाइएस्ट पीक इन आल्प्स लाइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड. माउंट मटरहॉर्न लाइज ऑन द स्विस इटालियन बॉर्डर एंड माउंट टेट्रा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ कार्पेटियन माउंटेन्स. यस, क्रीमिया इज द लैंड पोर्शन ऑफ यूक्रेन प्रोट्रूडिंग इन टू द ब्लैक सी. द कर्च स्ट्रेट जॉइंट्स द ब्लैक सी टू द सी ऑफ एजोव. ये कर्च स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसको मैप पे जरूर देखना. बोस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स स्ट्रेट, तीन स्ट्रेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बोस्फोरस स्ट्रेट क्या कर रहा है? मरमरा, सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है. एंड डार्डेनल जॉइंट्स मरमरा एंड द एजियन सी. द स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो जॉइंट्स द एड्रियाटिक सी टू द आयोनियन सी. एंड द मेसिना स्ट्रेट लाइज बिटवीन सिसिली एंड इटालियन मेनलैंड. देन कम्स स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो विच लाइज बिटवीन कोर्सिका, फ्रांस एंड सार्डिनिया, इटली. आयोनियन पेनिनसुला, ग्रीस, आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन एंड पोर्टुगल,
Pyrenees ranges forms boundary between France and Spain. Orkney and Hebrides Islands are in UK. Faroe Island forms part of Denmark. Kaliningrad is a Russian enclave on the Baltic Sea. And the Baltic states, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. These are some of the Baltic states. ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है? तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. ओके, चलिए आगे हम करेंगे गाइस. लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैपिटल इज नॉट सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ डेन्यूब रिवर. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Yes, guys, please answer this question. Which of the following countries' capital is not situated on the bank of Danube River? Yes, please check this. Please check this answer. Atlas में देखो इसको. Which of the following countries' capital is not situated on the bank of Danube River? Come on, guys, answer this question. Yes, very good. So answer is option C, Austria. आगे हम करेंगे. The Svalbard seed vault, which was in news recently, situated in Norway, Sweden, Denmark, Finland. Please answer this question. Svalbard seed vault. Seed vault. Sorry.
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्वे. कम ऑन गाइस, प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स. एटलस में चेक करिए इसको या फिर नेट पे चेक कर लो, लेकिन सर्च इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज बी वेरी. यस गाइस सॉरी, देयर वाज सम इशू इन माय लैपटॉप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं गाइस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द रूर रीजन ऑफ जर्मनी व्हिच इज फेमस वर्ल्ड वाइड. नंबर वन, इट इज द लार्जेस्ट अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी. सेकेंड, रूर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ राइन रिवर. नंबर फोर, रूर कोल फील्ड इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल फील्ड. एंड नंबर फोर, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया इज पॉपुलर एज रूर ऑफ इंडिया. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट. यस, क्वेश्चन नंबर थ्री. सो गाइज, यहाँ पे ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इट इज द लार्जेस्ट अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन. ओके, इट इज द लार्जेस्ट अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे आर एक्सटेंडेड विद इन द बाउंड्री ऑफ रशिया. सो करेक्ट. देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस दीज रेंजेस रन पैरेलल. सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन. इट इज द लार्जेस्ट अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी. इट इज करेक्ट. रूर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ राइन रिवर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, रूल कोल फील्ड इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल फील्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया इज पॉपुलर एज रूर ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू कॉकेसस माउंटेन्स. फर्स्ट वन इज, दीज माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. सेकेंड, दे आर एक्सटेंडेड विद इन द बाउंड्री ऑफ रशिया. थर्ड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दीज रेंजेस रन पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी. एंड फोर्थ, द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज लोकेटेड इन दिस रेंज. क्वेश्चन नंबर फोर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. सब लोग आंसर देने की कोशिश करिए प्लीज. जो जो लोग ऑनलाइन है प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. कॉकेसस माउंटेन्स. यस रश्मि, धीरज, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइज. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. एवरीवन, कॉकेसस माउंटेन रेंज कितने लोगों को पता है? इट इज इन यूरोप. यस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. सो गाइस, यहां पे लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट. करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, सो दीज माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो दीज रेंजेस आर लोकेटेड इन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. दे आर एक्सटेंडेड विद इन द बाउंड्री ऑफ रशिया. दिस वी हैव टू चेक. देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दीज रेंजेस रन पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी. सो दिस वी हैव टू चेक अगेन. एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज लोकेटेड इन दिस रेंज. ये बिल्कुल करेक्ट है. सो गाइज, इनकरेक्ट ये पूछा गया था. तो यहाँ पर स्टेटमेंट वन एंड फोर करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना. तो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन बी, टू एंड थ्री. दे आर नॉट एक्सटेंडेड विद इन द बाउंड्री ऑफ रशिया. दे आर एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ रशिया. एंड दे आर, मतलब इसका जो नॉर्दर्न कोस्ट पार्ट है, इट इज नॉट रनिंग पैरेलल टू मेडिटेरेनियन सी. लेट अस सी द रेंज. सो दिस इज द कॉकेसस माउंटेन रेंज. ओके, तो यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ कैस्पियन सी, उसके बीच में लोकेटेड है. करेक्ट है ये, लेकिन इस ऐसा देख के कहीं नहीं लग रहा कि ये सिर्फ रशिया में लोकेटेड है. ये काफ़ी बड़े पार्ट पे उससे ज़्यादा एक्सटेंडेड है. ओके, देन इट इज़ नॉट रनिंग पैरेलल टू मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है?
इसका नॉर्दर्न पार्ट कहाँ पे है, इट इज नॉट रनिंग पैरेलल। तो इसलिए स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर इनकरेक्ट और आंसर आपका होगा टू एंड थ्री, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, द सी ऑफ मरमरा कनेक्ट्स ब्लैक सी टू एजियन सी। नंबर टू, द बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी। नंबर थ्री, द डार्डेनल्स स्ट्रेट कनेक्ट सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ओनली। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, द सी ऑफ मरमरा कनेक्ट्स ब्लैक सी टू एजियन सी। नंबर टू, द बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी। एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट्स कनेक्ट सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी। यस, सो गाइस लेट अस सी हियर। सो दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो इट इज कनेक्टिंग सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी। दिस इज डार्डेनल्स स्ट्रेट विच इज कनेक्टिंग सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी। ठीक है, सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ओनली। तो सी ऑफ मरमरा जो है बेसिकली ब्लैक सी को एजियन सी से कनेक्ट कर रही है। बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट कनेक्ट सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी। जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, तो एजियन सी मतलब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर कॉर्नर पे दिखाई देगा एजियन सी, और ये रास्ता जा रहा है बेसिकली ग्रीस और टर्की के बीच में से होते हुए सी ऑफ मरमरा, राइट। एंड सी ऑफ मरमरा से ही आगे जा रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके, हेलो पवन। पवन मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, शुद्ध हिंदी तो देखो पॉसिबल नहीं है कि सी ऑफ मरमरा स्ट्रेट या डार्डेनल्स स्ट्रेट, इतना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेट को वैसे जल डमरू बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर है, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। आल्प्स, अपलेशियन और अपलेशियन, यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स एंड वॉस्जेस माउंटेन्स। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक कंट्री। बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सो गाइस आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस। ओके, सो बेसिकली बाल्टिक कंट्रीज का रीजन कौन सा हो गया, ये वाला रीजन। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और इधर आ गया आपका पोलैंड। यस, वेरी गुड फजीला, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर एट पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर कोस्ट विद एड्रियाटिक सी। अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, क्रोशिया एंड सर्बिया। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। यस, क्वेश्चन नंबर एट, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सर्बिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है गाइस, क्वेश्चन नंबर नाइन, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ऑप्शन ए ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरेनियन सी एंड ऑप्शन डी गल्फ ऑफ एडन एंड डेड सी। इजी क्वेश्चन है गाइस, आराम से दे सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यस, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो दिस इज ब्लैक सी
दिस इज मेडिटेरेनियन सी एंड बीच ऑफ ये पड़ जाता है टर्की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विद लाटविया। इनमें से कौन सी कंट्री लाटविया के साथ बाउंड्री नहीं बना रही है, बेलारूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया या यूक्रेन। अगेन अ वेरी इजी 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 क्वेश्चन, अगर एक भी कंट्री की लोकेशन सही से पता होगी तो आराम से इसका आंसर दे पाओगे। यस फजीला सर्वर प्लीज आंसर इस क्वेश्चन। यस फजीला सर्वर, सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन डी यूक्रेन। और वो यूक्रेन किधर है, ठीक है ना, दिस इज यूक्रेन राइट। अब पूछा क्या है लाटविया के साथ, तो लाटविया कौन सी है, ये बाल्टिक कंट्री हो गई है, तो बीच में एक अच्छा खासा बेलारूस, इधर पोलैंड, इधर स्लोवाकिया, इधर रोमानिया या मोल्डोवा, सब बीच में पड़ रहे हैं इसके राइट। सो लाटविया इज नॉट मेकिंग एनी बाउंड्री विद यूक्रेन बिकॉज बीच में ज्यादा बेलारूस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ टनल बिलो कनेक्टिंग यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। फ्रांस और यूके को कनेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड सी टनल है इन दो कंट्रीज के बीच में, उस टनल का नाम क्या है, डेविस स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, डावर स्ट्रेट या डेनमार्क स्ट्रेट। यस क्वेश्चन नंबर 11, सो गाइज ये बहुत चालाकी से बहुत समझदारी से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पे भी वाटर बॉडी होगी इनके बीच में वहीं पे जो है बेसिकली टनल भी बनेगा। तो सिंपल आपसे पूछा कौन सा स्ट्रेट है यूके और फ्रांस के बीच में, तो इट इज़ बेसिकली डॉवर स्ट्रेट, इट इज़ डॉवर स्ट्रेट बिटवीन यूके एंड फ्रांस। सो एक इनडायरेक्टली बेसिकली आपसे टनल के नाम पे इन्होंने ये चीज़ पूछा है कि कौन सा स्ट्रेट इनके बीच में लोकेटेड है। ओके यस वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। सो डॉवर स्ट्रेट दिखा देते हैं एक बार गाइज आपको। दिस इज डॉवर स्ट्रेट यू बिटवीन यूके एंड फ्रांस, तो अंडरग्राउंड टनल इसके नीचे बने हुए हैं। ओके इस स्ट्रेट के नीचे, इसके अलावा और आप देख सकते हो दैट दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज डार्डनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी, सी ऑफ क्रेट, सी ऑफ एजोव, गल्फ ऑफ रिगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12, गल्फ ऑफ बोथनी इज सिचुएटेड बिटवीन ऑप्शन ए स्वीडन एंड नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क एंड नॉर्वे एंड डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, गल्फ ऑफ बोथनी इज सिचुएटेड बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क एंड नॉर्वे एंड डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 12, सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन एंड फिनलैंड, स्वीडन एंड फिनलैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज बेसिकली गल्फ ऑफ बोथनिया। ओके चलिए आगे मूव करेंगे, अब एशिया को स्टार्ट करते हैं गाइस। एशिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को पढ़ते हैं, लेट अस स्टडी सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट एशिया। तो यू ऑलरेडी नो कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है, 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 160 डिग्री वेस्ट टू 33 डिग्री ईस्ट। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज है रशिया और पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। ओके एरिया वाइज देखते हैं तो रशिया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, देन सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया, पाकिस्तान, तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ दीज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एरिया। देन रशिया एंड तुर्की लाइज बोथ इन एशिया एंड यूरोप, एंड इक्वेटर पासिस थ्रू सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबस जिसको सुलावेसी आइलैंड भी बोलते हैं इन इंडोनेशिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू साउथ अरेबिया, देन यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। तो ध्यान रखना गाइस कि पाकिस्तान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं हो रहा है, ठीक है,
ताइवान मतलब पाकिस्तान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर नहीं आ रहा है, तो बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग। ओके, इंपॉर्टेंट सीज को हमने नॉर्थ से साउथ अरेंज किया है, तो सी ऑफ ओखोत्स्क, डैन सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं या टेरिटरीज हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कौन कौन सा डेजर्ट है, रुब अल खाली, अखदर माउंटेन्स, कुवैत, कतर, यूएई, ठीक है। देन इसके अलावा डेड सी वाला रीजन, ये सब जो है कहाँ पे आ रहे हैं, वेस्ट एशिया वाले पार्ट में आ रहे हैं। ईस्ट एशिया में क्या क्या है, गोबी डेजर्ट, लाई साउथ ऑफ प्लेटू ऑफ मंगोलिया इन मंगोलिया एंड चाइना, अल्टाई माउंटेन इज नियर वेस्ट मंगोलिया, चाइनीज बॉर्डर एंड टकला मकान डेजर्ट एंड तारिम बेसिन, ओके, एंड जुंगेरियन बेसिन जो चाइना ट्राइब बिटवीन मंगोलिया एंड कजाकिस्तान, एंड काइडम बेसिन जो सेंट्रल चाइना में है। तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट रीजन्स या इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज है जो वेस्ट एशिया रिजिस्टर में है। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये कहाँ से है, इट स्ट्रेटेज फ्रॉम मिड नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट चाइना, साउथ ऑफ इनर मंगोलिया, ओके, एंड हुआंगहो रिवर क्रॉसेज द वॉल ट्वाइस, देन आर द लॉयस प्लेट ऑफ चाइना, लॉयस प्लेट ऑफ चाइना, तो इट लाइज इन नॉर्दर्न चाइना एंड इज ड्रेन्ड बाय रिवर हुआंगहो, विच वाइल पासिंग थ्रू इट एक्वायर्स इनफ सेडिमेंट्स डेट द रिवर इटसेल्फ बिकम्स मडी एंड इज देयरफॉर नोन एज येलो रिवर। सिल्टेशन ऑफ रिवर बेड बिकॉज ऑफ दीज इनॉर्मस सेडिमेंट्स लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स क्रिएटिंग हैवॉक इन द रीजन, देयरफॉर द रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉर ऑफ चाइना। इट ड्रेन्स इन टू द गल्फ ऑफ बोहाई, सिचुआन बेसिन लाइज साउथ ऑफ सेंट्रल चाइना एंड इज ड्रेन्ड बाय द यांग सिकियांग रिवर। इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ चेंगडू एंड चोंगकिंग लाइज इन द बेसिन। ओके, यस, तो शांघाई रिवर जो है इट इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ यांगसिकियांग रिवर, ओके, एंड यूनान प्लेटू लाइज इन साउथ ईस्ट चाइना एंड इज ड्रेन बाय सिकियांग रिवर। देन हांगकॉन्ग इज सिचुएटेड क्लोज टू द माउथ ऑफ द रिवर और मकाऊ पोर्ट लाइज वेस्ट ऑफ द हांगकॉन्ग। तो गाइज ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट पढ़ने हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ जापान की बात करते हैं, यहाँ पे जापान के कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, तो होकाइडो, होनशू, शिकोकू, क्यूशू एंड रेयुकू, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ जापान। असाही डेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ होकाइडो। इंपॉर्टेंट सिटीज इन होकाइडो आर सेप्रो, मुरोरन एंड होकाडेट। देन सुगारू स्ट्रेट सेपरेट्स होनशू फ्रॉम होकाइडो। माउंट फुजियामा काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ अ एक्टिव वोल्केनो व्हिच लाइज इन होनशू। इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर ऑब्वियसली टोक्यो है, कावासाकी, योकोहामा एंड शिजुका एंड हमामत्सु, नागोया, नागोया पे आपको प्रोटोकॉल भी याद होगा, नागोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ओसाका और कोब एंड हिरोशिमा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जापान की। ओके, अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया पे, तो साउथ ईस्ट एशिया की ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू देम। देन आता है अनाम माउंटेन्स, तो इट लाइज अलॉन्ग द लाओस वियतनाम बॉर्डर, लेक टोबा एंड बैरिसन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन सुमात्रा। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो जो फीचर्स है सब यहाँ पे हैं, माउंट क्राकाटो वॉल्केनिक आइलैंड लाइज इन सुंडा स्ट्रेट बिटवीन सुमात्रा एंड जावा, एंड सिंगापुर इज अ स्मॉल आइलैंड लाइंग साउथ ऑफ पेनिनसुला मलेशिया, एंड ब्रुनई इज ट्रैप्ड बाय मलेशिया ऑन ऑल साइड्स ऑन द बोर्नियो आइलैंड, रेस्ट ऑफ बोर्नियो इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, रेस्ट ऑफ बोर्नियो इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। या सीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, सो अंडमान सी, ईस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिस ग्रेट चाइना सेपरेट्स अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सुमात्रा, साउथ चाइना सी बिटवीन वियतनाम एंड फिलीपींस, सुलू सी बिटवीन फिलीपींस एंड बोर्नियो, सेलिबस सी बिटवीन नॉर्थ ऑफ सेलिबस और सुलावेसी आइलैंड, दैन मुलक्का सी, अराफुरा सी, जावा सी, एंड हियर इट कम्स द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी बेसिकली कहने के लिए सी है, लेकिन इट इज़ अ लार्जेस्ट लेक, ठीक है, कैस्पियन सी क्या है, लेक है। तो हुआ क्या था कि इतना ही इतनी बड़ी लेक है कि लोगों को दूर दूर तक इसका कोई किनारा दिखाई नहीं दिया, तो पीपल जस्ट स्टार्टेड कॉलिंग इट एज अ सी और इसका नाम पड़ गया कैस्पियन सी, बट इट इज़ अ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट बॉर्डर्स कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया, क्लॉक वाइज ऑर्डर में इट इज़ यू नो बॉर्डरिंग कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया। ओके, आगे मुँह करेंगे गाइज, नॉर्थ अमेरिका पे चलते हैं जल्दी से। सो नॉर्थ अमेरिका का लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट है 8 डिग्री नॉर्थ टू 83 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 50 डिग्री वेस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट। ओके, सो
इट कंप्राइजेस कैनेडा, यूएसए इंक्लूडिंग अलास्का, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडिंग द कैरिबियन वंस। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से? बिलीज, ग्वाटमाला, होंडुरस, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को वेस्ट टू ईस्ट अगर अरेंज करना है तो यह होगा ग्वाटमाला, एल सेल्वाडोर, बिलीज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की बात करेंगे एरिया वाइज तो निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटमाला, पनामा, कोस्टा रिका, एल सेल्वाडोर एंड बिलीज। एंड बिलीज बॉर्डर्स ऑनली द कैरिबियन सी एंड एल सेल्वाडोर बॉर्डर्स ऑनली द पैसिफिक ओशियन। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर बोथ द पैसिफिक ओशियन एंड द कैरिबियन सी। देन कैनेडा हैज थ्री मेन फिजिकल डिविजन्स, द कैनेडियन शील्ड, द इंटीरियर प्लेन्स एंड द कॉर्डिलेरा रीजन। चलिए आगे मूव करेंगे गाइस। कैनेडियन शील्ड इज एन ओल्ड शील्ड एंड इज ऑल्सो नोन एज लॉरेशियन शील्ड। इंटीरियर प्लेन्स ऑफ कैनेडा कंप्राइजेज मेनली द प्रेरी रीजन एंड आर ड्रेन्ड बाय मैकेंजी एंड सस्केचुआन रिवर। माउंट लोगन लाइंग इन वेस्टर्न मोस्ट कैनेडियन रॉकीज इज द हाइएस्ट पीक इन कैनेडा। सो गाइज दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक में से ही निकाले हुए फैक्ट्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने एक जगह फिल्टर आउट किए हुए हैं। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस। सो द स्ट्रेट सेपरेटिंग नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया, यस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। द स्ट्रेट सेपरेटिंग नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया, सबसे इजी क्वेश्चन है गाइस ये। सो यस आंसर होगा इसका बैरिंग स्ट्रेट, इट्स आंसर इज बैरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अलास्का, इधर रशिया, बीच में आ गया बैरिंग सी, बैरिंग स्ट्रेट। तो ये है बैरिंग सी और ये है बैरिंग स्ट्रेट यहाँ पर, ठीक है। नैरो वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू मेजर मेजर लैंड मासेस, सेपरेटिंग टू मेजर लैंड मासेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनमें से कौन नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है। सच अ इजी पीजी क्वेश्चन, वेरी इजीली दे सकते हो इसका आंसर। कम ऑन गाइस, सब लोग पार्टिसिपेट करिए, एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? इथोपियन हाईलैंड्स, अपलेशियन माउंटेन्स, अटलांटिक कोस्टल प्लेन एंड कैनेडियन शील्ड। ऑब्वियसली इट विल बी आंसर ऑप्शन ए, इथोपियन हाईलैंड, क्योंकि गाइस इथोपिया में पता कहाँ पे लोकेटेड, इट इज नॉट इन अमेरिका, इट इज इन अफ्रीका। ओके चलिए, तो ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था आपके लिए। आगे वो करते हैं, द हॉर्स शू फॉल, द अमेरिकन फॉल एंड द ब्राइडल वेल फॉल आर द पार्ट ऑफ कम्बरलैंड फॉल्स, योसेमाइट वाटर फॉल्स, नायगरा फॉल्स एंड बैश बिश फॉल्स। तो देखो बेसिकली होता क्या गाइस कि वाटरफॉल्स की सीरीज होती है, कई जगह कहते हैं वाटरफॉल्स सीरीज में लगे होते हैं, लेकिन वो जगह किसी एक मेजर वाटरफॉल के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। तो बाकी के वाटरफॉल्स उसकी एसोसिएटेड या हम कह सकते हैं कि एक तरह के सहयोगी वाटरफॉल की तरह काम करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाटरफॉल्स। यस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। द हॉर्सशू फॉल्स, द अमेरिकन फॉल्स एंड द ब्राइडल वेल फॉल्स आर द पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए कम्बरलैंड फॉल्स, ऑप्शन बी योसेमाइट वाटरफॉल्स, ऑप्शन सी नायगरा फॉल्स एंड ऑप्शन डी बैश बिश फॉल्स। यस क्वेश्चन नंबर थ्री, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नायगरा फॉल्स, नायगरा फॉल्स। ओके सो आगे मूव करते हैं गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नंबर वन, बेफिन आइलैंड इज अ टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, फ्लोरिडा कीज आर स्मॉल आइलैंड्स ऑफ कोरल ओरिजिन, नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट, चूज द करेक्ट कोड, चूज द करेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर फोर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नंबर वन, बेफिन आइलैंड इज अ टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ऑप्शन टी, ऑप्शन टू, फ्लोरिडा कीज आर स्मॉल आइलैंड्स ऑफ कोरल ओरिजिन, ऑप्शन थ्री, नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, चूज द करेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर फोर, सो गाइस ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर वन, स्टेटमेंट वन,
इट इज़ करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट टू, फ्लोरिडा कीज आर स्मॉल आइलैंड्स ऑफ कोरल ओरिजिन, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ऑप्शन स्टेटमेंट थ्री, नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, लेक मीड इज रेमनेंट ऑफ फ्रेश लेक कॉल्ड बॉनविले, एंड लेक ओंटारियो इज द ओनली ग्रेट लेक दैट इज एंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। चूज द करेक्ट कोड। यस, चूज द करेक्ट कोड। सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली, ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन सी। सेकेंड, लेक मिशिगन इज स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स, अबाउट 4 टाइम्स स्मॉलर देन लेक सुपीरियर। चूज द करेक्ट कोड, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। यस, क्वेश्चन नंबर 6। यस ऑफ कोर्स गाइस, सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करेंगे गाइस, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर इज द लार्जेस्ट वाटर शेड विच इंक्लूड्स एटलीस्ट 25 स्टेट्स। सेकेंड, कोलंबिया इज द लार्जेस्ट रिवर इन द यूएसए विच ड्रेन्स इन टू द पैसिफिक। चूज द करेक्ट कोड, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, माउंट मैकिनले इज द हाइएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द अलास्का रेंज। सेकेंड, कोलोराडो प्लेटू इज एन इंटर माउंटेन प्लेटू। चूज द करेक्ट कोड, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 8। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लोकेशन एक बार देख लो गाइस इसकी। ओके, सो हियर इज माउंट मैकिनले, और अलास्का को वैली ऑफ 1000 स्मोक्स भी इसी वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, एंड लगातार इनमें से जो है स्मोक है वो निकलती रहती है। तो कोई प्लेन से अगर जा रहा है, कोई एयरक्राफ्ट से तरह से जा रहा है, तो दैट पर्सन कैन ईजिली सी अलास्का, यू नो, हैविंग सो मच ऑफ द स्मोक, बेसिकली स्मोक कंडीशन ज़्यादा रहती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, डेथ वैली लाइज वेस्ट ऑफ द रॉकीज माउंटेन इन कैलिफोर्निया। सेकेंड, इट हैज़ द हाइएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वर्ल्ड। चूज द इनकरेक्ट कोड, क्वेश्चन नंबर 9। Consider the following statements. Number 1, Death Valley lies west of the Rockies Mountain in California. Second, it has the highest diurnal range of temperature in the world. Choose the incorrect code. Question number 9. Yes. So guys, both statements correct. Both of the statements are correct.
सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, किनाई पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय हडसन बे एंड हडसन स्ट्रेट। सेकेंड, डेथ वैली इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, चूज द करेक्ट कोड। यस, चूज द करेक्ट कोड, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, किनाई पेनिनसुला सराउंडेड बाय हडसन बे एंड हडसन स्ट्रेट। नंबर टू, डेथ वैली इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, चूज द करेक्ट कोड। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ऑनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 10। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ऑनली, ऑप्शन बी टू ऑनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, हवाईयन आइलैंड लाइज इन द एटलांटिक ओशियन। सेकेंड, आइलैंड्स कैपिटल होनोलुलु इज नोन एज द क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक, चूज द करेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 11। यस गाइस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हवाईयन आइलैंड लाइज इन द एटलांटिक ओशियन। सेकेंड, आइलैंड्स कैपिटल होनोलुलु इज नोन एज द क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक, चूज द करेक्ट कोड। ऑप्शन ए वन ऑनली, ऑप्शन बी टू ऑनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। यस, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। वेरी गुड, तो यह आंसर आप, हवाईन आइलैंड लाइज इन पैसिफिक नॉट इन एटलांटिक, सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आइलैंड्स कैपिटल होनोलुलु इज नोन एज द क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ऑनली। ओके, सो हवाईन आइलैंड आप देखोगे तो इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। चलिए आगे मुंह करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है, द वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल स्टेट इज। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल। ऑफ अ सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन स्टेट का मतलब हो जाता है कि जो कंट्री है वो बेसिकली अपनी इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, किसी की कोई ऑफशोर टेरिटरी नहीं है, किसी दूसरी कंट्री की कोई ऑफशोर टेरिटरी नहीं है, ये कंट्री अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और इस हिसाब से इस कंट्री की जो कैपिटल है वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सॉवरेन स्टेट में आएगी। यस, शुभा परियार, यस आंसर इस क्वेश्चन। सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिक जैविक। रिक जैविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड एक ऑटोनोमस कंट्री हो जाएगी, सो सॉवरेन कंट्री मतलब, ठीक है। तो रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ अ सॉवरेन कंट्री। यस, क्वेश्चन नंबर 13, ये फेवरेट क्वेश्चन है कई लोगों का। ओल्ड फेथफुल गीजर इज लोकेटेड एट, स्पेन, मैक्सिको, यूएसए, कैनेडा। यस, क्वेश्चन नंबर 13, ओल्ड फेथफुल गीजर इज लोकेटेड एट। सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए में जगह है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो ये सबसे ओल्डेस्ट गीजर है, ठीक है, और कंटिन्यूसली आज भी इसमें से जो है इरप्शन टाइप की चीज़ें होती हैं, मतलब जो वाटर के वेपर्स निकलते हैं इसमें से, वाटर स्प्रिंग्स निकलते हैं, वो आज भी निकल रहे हैं इसमें से। ओके, तो दिस इज येलो स्टोन नेशनल पार्क,
कोलोराडो प्लेटू पे लोकेटेड है ये, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो पिछले क्वेश्चन की वजह से अगले क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया है। नंबर वन, द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। सेकेंड, पनामा इस्थमस जॉइंस नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। चूज द करेक्ट कोड। द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ यूएसए एंड इस्थमस ऑफ पनामा जॉइंस नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। तो गाइज दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। फर्स्ट वाला जो अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, और ये जो पतली सी स्ट्रिप होती है जो ऊपर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करी, इधर कोस्टारिका इधर निकारागुआ है इन कंट्रीज में इस स्ट्रिप में। तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो दिस इज पनामा इस्थमा, दिस इज कोस्टारिका, दिस इज पनामा, और यहीं पर आ गया आपका पनामा कैनाल, यहीं पर आ गया पनामा कैनाल। ओके चलिए आगे हम करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं गाइस। नेम द मार्क पार्ट, ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सारा, ये जो ब्लूइश पोर्शन है कौन सा है, इसका नाम क्या है? लेक ह्यूरोन, लेक इरी, हडसन बे, बेफिन बे। यस गाइस वेरी गुड। सो आंसर इज ऑप्शन सी, हडसन बे। ठीक है, तो हडसन बे आप देखेंगे तो इट इज हैविंग यू नो कोस्ट लाइन, इट हैविंग बाउंड्री विद यूएस स्टेट्स ऑल्सो एज वेल एज विद कैनेडा एज वेल। ओके नेक्स्ट आगे हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर, लेक ह्यूरोन, लेक सुपीरियर, लेक मीड, लेक पॉवेल। क्वेश्चन नंबर 16। सो गाइस इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, लेक ह्यूरोन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट स्टेट। उटा, एरिजोना, निवाडा एंड कंसास। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिजोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिजोना। लेट अस चेक इट आउट। सो हियर इट इज लोकेटेड एरिजोना, तो एकदम सदर्न मोस्ट पे आ जाता है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, सियरा नेवाडा, कोस्टल रेंज, अपलेशन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, सियरा नेवाडा, कोस्टल रेंज, अपलेशन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स। यस क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड गाइस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, अपलेशन माउंटेन्स। ओके नेक्स्ट आगे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदर्न मैक्सिको एंड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। सेकेंड, गोल्ड इज फाउंड मेनली इन ओंटारियो विच हैज द लार्जेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। चूज द इनकरेक्ट कोड, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 19। यस क्वेश्चन नंबर 19। सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
नाइदर वन नॉट टू, इनकरेक्ट कोड पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट गाइज दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए विल आंसर ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट सॉफ्ट कोल फील्ड इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन, ऑप्शन ए कैनेडियन शील्ड, ऑप्शन बी द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, ऑप्शन सी द रॉकी माउंटेन्स, ऑप्शन डी द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लार्जेस्ट सॉफ्ट कोल फील्ड इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन, ऑप्शन ए कैनेडियन शील्ड, ऑप्शन बी द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ऑप्शन सी द रॉकी माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, सो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके चलिए आगे वो करेंगे, लेट अस स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया, ओके, बट बिफोर दिस लेट अस टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। यस गाइस वेलकम बैक। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर, सो बेसिक फैक्ट्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। सो इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंडेड 10 डिग्री साउथ टू 43 डिग्री साउथ, यानी पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में ही है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड तो 115 डिग्री ईस्ट टू 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कट्स इट इंटू टू हाफ, सो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ही है जो यहाँ से पास हो रहा होगा इस लैटिट्यूड पे, और ये ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट्स में कट करता है। ऑस्ट्रेलिया में 8 फेडरल यूनिट्स हैं, या हम उनको स्टेट कह सकते हैं, लाइक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है पर्थ, नॉर्दर्न टेरिटरी है डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया देन क्वींसलैंड देन न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया जिसकी कैपिटल मेलबर्न है, देन ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी कैनबरा इसकी कैपिटल है, एंड तस्मानिया जिसकी कैपिटल है होबार्ट। सो इट इज़ फ्लैंक्ड बाय ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड द न्यू इंग्लैंड रेंज इन द ईस्ट, द डार्लिंग रिवर, ठीक है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस रिवर, डार्लिंग रिवर इमर्जेस फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड ड्रेन्स मेजर पार्ट ऑफ द न्यू साउथ वेल्स प्रोविंस बिसाइड्स अदर। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स आर इन साउथ ईस्ट हैविंग माउंट कोशियस्को एज द हाइएस्ट पीक, फ्लिंडर्स रेंज लाइंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं गाइस, जो बेसिकली आसपास के रीजन के कंपैरिजन में एक फ्लैट अपराइज्ड पोर्शन आपको दिखाई देगा, तो दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन जो फॉर्म होते हैं या वो उसका रीजन होता है फॉल्टिंग या रिवर्स फॉल्टिंग, ओके, और दूसरा माउंटेन होता है फोल्ड माउंटेन जो बहुत कॉमन होता है, जैसे कि रॉकीज, एंडीज, आल्प्स या फिर हिमालयाज, बट दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन, ओके। सर द नल्लरबर प्लेन इज अ लॉन्ग एक्सटेंसिव प्लेन लाइंग अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, इट इज थ्रू दीज प्लेन्स डेट अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट्स द ईस्ट एंड द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी, नेक्स्ट द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंप्राइज मेनली ऑफ डेजर्ट्स इंक्लूडिंग द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट एंड द सिम्पसन डेजर्ट, मैकडोनल एंड मुसग्रेव रेंज लाइज इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। सो जस्ट रीड दिस पैरा, ओके, अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इज द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा कोरल स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ओके। सो बेसिकली क्या, दीज आर जनरेटेड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल पॉलिप्स द कैल्केरियस रिमेन्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एन इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लेक आयर एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द साउथ ऑस्ट्रेलिया। अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या ऑस्ट्रेलिया के, तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, देन द बॉस बास स्ट्रेट, देन केप यॉर्क पेनिनसुला, शार्क बे, जोसेफ बोनापार्ट गल्फ, देन गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, देन किंग एंड फ्लिंडर्स आइलैंड, ओके, एंड फ्रेजर आइलैंड। तो ये सब आपको लोकेट करना है मैप पे, यू हैव टू लोकेट ऑल दीज एंट्रीज ऑन मैप, ओके।
जो यहाँ के लोकल पीपल हैं, जो ओरिजिनल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, दे आर नोन एज एब ओरिजिनीज। ठीक है, जैसे एक कम्युनिटी है बिंदीबूस, सो दे आर बेसिकली रिगार्डेड एज द एब ओरिजिनीज, यानी कि ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया कैसे सेटल हुआ, या ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया कैसे इमर्ज हुआ एक पॉपुलेशन हब के फॉर्म में, इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि जब यूके की जेल्स में जो प्रिजनर्स थे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया, ठीक है, उनकी काउंटिंग लगातार बढ़ती चली गई प्रिजनर्स की यूके की जेल्स में, तो क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने बेसिकली इनको एक ऑफर दिया कि भाई ठीक है, वी विल सेटल यू टू अ न्यू प्लेस प्रोवाइडेड यू हैव लीव दिस कंट्री। ठीक है, मतलब यूके छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो गए। तो ऐसे लोग भाई जो वहाँ जेल में रह रहे हैं उसको कह रहे हो कि भाई आपको कहीं नई जगह हम सेटल कर देंगे, पैसे भी देंगे सेटल होने के लिए, सब चीज़ देंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे, सज़ा भी माफ़ कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, बट ये आप कितनी इस बात में सच्चाई है इसका कोई वेरीफाई आप अपने लेवल पर इसको एक बार चूक करिएगा। ओके, यस, देन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ऑल्सो नोन एज द स्नोई माउंटेन्स। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हम स्नोई माउंटेन्स भी बोलते हैं। देन एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं, यहाँ पर कोला एक बियर जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन उसकी नोज पे ना चोच जैसा कुछ दिखाई देती है आपको, बीक जैसी। तो कोला एंड कंगारू, प्लेटिपस, डिंगो एंड वोम्बाट, ये यहाँ के कुछ स्पेसिफिक और एंडेमिक स्पीशीज हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ऑल्सो नोन एज द स्नोई माउंटेन। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। शीप रियरिंग फार्म्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड स्टेशंस। तो शीप के जो फार्म्स हैं या जो भेड़ पालने के लिए जो फार्म्स यहाँ पर हैं, दे आर नोन एज स्टेशंस। देन तस्मानिया सी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड इज डिवाइडेड इंटू टू आइलैंड्स, द नॉर्दर्न आइलैंड एंड द सदर्न आइलैंड। सदर्न आइलैंड इज डोमिनेटेड बाय द सदर्न आल्प्स हैविंग माउंट कुक एज द हाइएस्ट पीक। देन नॉर्थ केप लाइज एट द नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द न्यूजीलैंड। देन कुक स्ट्रेट सेपरेट्स द टू आइलैंड्स ऑफ द कंट्री। बे ऑफ प्लेंटी लाइज नॉर्थ ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड। देन फॉवेक्स स्ट्रेट सेपरेट्स अ स्मॉल आइलैंड लाइंग साउथ ऑफ द सदर्न आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड इट्सेल्फ। अब गाइस फॉवेक्स स्ट्रेट को प्लीज़ ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लो एंड प्लीज़ लोकेट दिस ऑन मैप, फॉवेक्स स्ट्रेट इज इम्पॉर्टेंट। देन वेलिंगटन द कैपिटल लाइज इन द नॉर्दर्न आइलैंड। अदर सिटीज ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड आर हैमिल्टन, नेपियर एंड ऑकलैंड। द सिटीज लोकेटेड ऑफ सिटीज ऑफ सदर्न आइलैंड आर क्राइस्टचर्च, डुनेडिन एंड इनवर कारगिल। ओके, अब क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर वन, रिसेंटली बीजिंग बेस्ड कंपनी हैज सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स फॉर द एंटायर आइलैंड ऑफ टुलागी व्हिच इज लोकेटेड इन टुलागी आइलैंड। तो टुलागी आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? सो यस, इट इज लोकेटेड इन सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड ग्रुप का ही पार्ट है टुलागी आइलैंड। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विद अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। इंडिया ज्वाइंट ए आई आई बी इन 2016 एज अ रीजनल मेंबर ऑफ द बैंक। थर्ड, हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट थाईलैंड। चूज द करेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, यस, वेरी गुड गाइस। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, वन एंड टू, वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर थ्री, रिसेंटली अ रिवर वैली वॉज इन न्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट एट LAC। आइडेंटिफाई द वैली। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आंसर है ऑब्वियसली गलवान वैली। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली
काला पानी रीजन वॉज इन यूज फॉर द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. इट इज लोकेटेड एट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड, नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 4. सो गाइज इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, तो काला पानी इज अ रीजन लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. इट शेयर्स अ बॉर्डर ऑन द नॉर्थ विद द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना एंड नेपाल इन द ईस्ट एंड द साउथ. द रीजन रिजेंबल्स अ स्लाइस ऑफ केक वेस्ट इन बिटवीन लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड काला पानी. द एरिया इज इन इंडियाज कंट्रोल बट नेपाल क्लेम्स द रीजन बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड कार्टोग्राफिक रीजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. सो दिस इज द रीजन, ठीक है ना, दिस इज काला पानी रीजन, दिस इज द लिपू लेक एंड दिस इज द लिम्पियाधुरा. तो ये ट्राई जंक्शन जो यहाँ वाला है, यहाँ की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिसेंटली नाथुला पास वॉज इन न्यूज ड्यू टू द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वेयर इज इट इज लोकेटेड. नाथुला पास, यस ऑफ कोर्स द आंसर विल बी ऑप्शन सी सिक्किम. ऑफ कोर्स द आंसर विल बी ऑप्शन सी सिक्किम. नेक्स्ट, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ नाथुला, प्लीज बी वेरी केयरफुल. और यहाँ पर आ जाता है आपका चुंबी वैली, ठीक है, इधर है भूटान. तो दिस इज नाथुला पास. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Recently, the World Intellectual Property Organization has highlighted that China has become the biggest source of applications for international patents in the world. Second, China has pushed the United States from the top position. Third, India is on the third rank followed by Germany and South Korea. Choose the correct code. Option A, 1 and 2. Option B, 2 and 3. Option C, all of the above. And option D, none of the above. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6. सो गाइस इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2. इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो जापान थर्ड रैंक पे है फॉलोड बाय जर्मनी एंड साउथ कोरिया. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर है. रिसेंटली इंडिया सप्लाइड 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू इट्स नेबरिंग कंट्री अंडर ऑपरेशन संजीवनी. तो किसको किया था इसने, इंडिया ने? यस, इट वॉज सप्लाइड टू मालदीव्स. इट वॉज सप्लाइड टू मालदीव्स. ओके, सो मालदीव्स आपको लक्षद्वीप से थोड़ा आगे जाके मालदीव्स मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. द बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज ज़ायर अल बाहर रोर ऑफ द सी इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कतर, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड ओमान एंड इंडिया एंड ईरान. क्वेश्चन नंबर 8. यस, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया एंड कतर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज. This exercise helps to strengthen cooperation and enhance interoperability between the two navies. It majorly focuses on the fight against terrorism, maritime piracy and maritime security. The participation of INS Trikhand and patrol aircraft P-81 will be noteworthy during exercise. The P-81 maritime patrol aircraft incorporates the latest technology for maritime surveillance. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, उइगुर इज अ प्रीडोमिनेंटली तुर्किक स्पीकिंग एथनिक ग्रुप एंड दे आर प्राइमरली कन्फाइंड इन चाइनाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ जिनजियांग. चूज द करेक्ट कोड. क्वेश्चन नंबर 9. सो गाइस दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2. सो गाइस दिस इज द जिनजियांग रीजन, ठीक है, एंड ये डिस्टर्ब रीजन है बेसिकली चाइना का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिसेंटली अ प्लेस वॉज हिट बाई टाइफून हैगिबिस, नेम द प्लेस. हैगिबिस टाइफून इनमें से किस जगह पे आया था? सो इट हैज़ हिटेड होनशू आइलैंड. इट हैज़ हिटेड होनशू आइलैंड. नेक्स्ट आगे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. द लास्ट एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 4 एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2017. दिस इंडो ओमान एयरफोर्स एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन जामनगर, मसीरा, बेंगलोर या मस्कट. कहाँ पे हुई थी ये? इट वॉज कंडक्टेड इन जामनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. सो द जॉइंट बिलेटरल एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज विद रॉयल एयरफोर्स ओमान, दिस एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट द एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान एंड इन जामनगर सिटी ऑफ गुजरात.
माउंट पैक्टू, यस माउंट पैक्टू विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड किर्गिस्तान, चाइना चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया एंड चाइना एंड वियतनाम. क्वेश्चन नंबर 12. यस ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस. रिसेंटली आ कंट्री हैज अवार्डेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जायद मेडल. नेम द कंट्री, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूएई एंड ओमान. क्वेश्चन नंबर 13. यस क्वेश्चन नंबर 13. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरात्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 14. रिसेंटली इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट हैज अनाउंस दैट अ कंट्रीज कैपिटल करंटली जकार्ता विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 14. इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ द कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन बेसिकली. ओके इट विल बी इंडिया, इट विल बी इंडोनेशियाज न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अकेडमिक लोमोनोसोव इज मेड बाय रशिया. इट इज अ अकेडमिक लोमोनोसोव इज मेड बाय रशिया. इट इज अ ग्राउंड टू एयर मिसाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर यूनिट एंड सेटेलाइट. क्वेश्चन नंबर 15. सो गाइज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. दिस इज अ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर यूनिट, अकेडमिक लोमोनोसोव. इट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट जर्नी फ्रॉम द रशियन पोर्ट ऑफ मुर्मांस्क टू द आर्कटिक टाउन ऑफ पीवेक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड श्रीलंका अ मीसल्स फ्री कंट्री. सेकेंड, द एलिमिनेशन ऑफ अ डिजीज मीन्स दैट देयर हैव बीन जीरो न्यू केसेज ऑफ अ डिजीज इन द लास्ट 3 ईयर्स. यस चूज द इनकरेक्ट कोड, चूज द इनकरेक्ट कोड. ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू. तो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू. द अदर कंट्रीज इन द रीजन विच हैव एलिमिनेटेड मिसाइल्स इन देयर जोग्राफिकल एरिया आर भूटान, मालदीव्स, देन कोरिया एंड टिमोर लेस्ते एंड श्रीलंका. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्पेक्ट्रियोलॉजी आ स्पेस टेलीस्कोप इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री. क्वेश्चन नंबर 17. स्पेक्ट्रियोलॉजी आ स्पेस टेलीस्कोप इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री. सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय रशिया. इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. रशिया हैज लॉन्च अ स्पेस टेलीस्कोप नेम्ड स्पेक्ट्रियोलॉजी इन अ जॉइंट प्रोजेक्ट विद जर्मनी. इट इज इंटेंडेड टू रिप्लेस स्पेक्ट्रो आर नोन एज द रशियन हबल टू ऑब्जर्व ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन. यस क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. द इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन संकल्प इन टू रीजन्स, द पर्शियन गल्फ एंड द ऑपरेशन संकल्प. यस पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ ओमान. आई होप सबको क्लियर होगा ये गाइस. इन सब लोकेशंस को आपको एटलस में जरूर देखना पड़ेगा. अगर एटलस में नहीं देखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस का. गल्फ ऑफ ओमान. सो टू मेजर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स फॉलोइंग द एस्केलेटिंग टेंशन इन द गल्फ ऑफ ओमान वेयर टू ऑयल टैंकर्स वर अटैक्ड रिसेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 19. Which city is situated on the southeast coast of China, having strategic location on the Pearl River Delta and the South China Sea? It has made it one of the world's most thriving and cosmopolitan cities. Xinjiang, Hainan Island, Hong Kong and Shanghai. Yes, question number 19. Question number 19. So guys, its correct answer is option B, Hainan Island. Its correct answer is option B, Hainan Island. Yes. Question number 20 पे आते हैं. Mount Sinabung is located at option A, Indonesia.
ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 20, माउंट सिनाबोंग इज लोकेटेड एट, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 पे। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड विद रिगार्ड्स टू दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, इंडिया टू थर्ड कॉफी प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द मालनाड रीजन ऑफ कर्नाटक। सेकेंड, रोबस्टा वेराइटी ऑफ कॉफी अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द टोटल कॉफी प्रोडक्शन। एंड थर्ड, इंडिया मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर केरल, कर्नाटक एंड असम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट कोड। सो गाइज प्लीज बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट कोड, यानी इनमें से कौन सा कोड इनकरेक्ट है। ठीक है, यस, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी 3 ओनली। इंडिया मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर केरल, कर्नाटक एंड ये जो लिखा है आसाम, तो ये नहीं है कॉफी प्रोड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिविजनल टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। इनमें से किस स्टेट में पुडुचेरी की कोई डिविजनल स्टेट नहीं है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, सो इसका आंसर होगा गाइस ऑब्वियसली केरल में है माहे, तमिलनाडु और आंध्रा में भी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो यनम इज इन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कराईकल इज इन तमिलनाडु और माहे इज इन केरल, कर्नाटक में कोई सा नहीं है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सी स्टेट कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है? यस, Obviously the answer will be option D, Ranchi. Next आगे मूव करेंगे। Which of the following state capital is nearest to Indian Standard Time Meridian? यानी Indian Standard Meridian के nearest कौन सी state capital है इनमें से? लखनऊ, हैदराबाद, रायपुर एंड अमरावती। So yes, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर। ओके, इफ अ पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम गैंगटॉक टू विलिंगडन आइलैंड, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स He is likely to pass including origin and destination state. Question number 25. So guys, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 ओनली। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हिमालय। नंबर वन, द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। नंबर टू, द हिमाद्री रेंज कॉन्स्टिट्यूट माउंट एवरेस्ट एंड अदर लॉफ्टियस्ट पीक। थर्ड, द गंगा रिवर इज एंटीसीडेंट टू शिवालिक रेंज। Choose the correct code. Question number 26. Choose the correct code. So guys, its answer is option D, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Next question mein chalte hai guys, question number 27. Camel, Great Indian Desert, Snow Leopard, Alpine Zones of Himalaya, Red Bear, Himalayan Forest of Arunachal Pradesh, Sangai Deer, Manas region of Assam. Select the correct code. Option A, 1, 2 and 4 only. Option B, 2, 3 and 4. Option C, 1, 3 and 4. And option D, 1, 2 and 3. Question number 27. Yes, very good guys. Its answer is option D, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Next, aage badhte hain. Question number 28 pe aate hain. Which of the following state has been correctly arranged in increasing order of population density? Option A, UP, Kerala, West Bengal, Bihar. Kerala, West Bengal, Bihar, UP. And West Bengal, Kerala, UP, Bihar. And then Bihar, Kerala, West Bengal or Uttar Pradesh. Question number 28. So its answer is option A, UP, Kerala, West Bengal and Bihar.
क्वेश्चन नंबर 29 पर है गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भवानी, विच ऑफ द अबव पेयर इज आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, यस क्वेश्चन नंबर 29। सो गाइस इसका करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस, तो दिस पेयर इज इनकरेक्ट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू ओनली। कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा ही जाती है और भवानी रिवर ड्रेन साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। So these forests appear evergreen because the plant species do not have any common leaf shedding period. Then these are found along the strips of Western Ghats, Northeast region and Andaman and Nicobar. Third, these forests are associated with epiphytic growth of plants also. And option statement 4, the big land dwellers can be commonly found as these are their natural habitats. Select the correct code. Question number 30. Select the correct code. So guys, statement 1 is correct. Statement 2 is correct. And statement 3 is also correct. Now tropical evergreen forest or big land dwellers ke liye yahan pe survival karna comparatively काफी hard होगा, difficult होगा, because dense vegetation मिलेंगे, dense forest यहाँ पे मिलेंगे, so इसलिए fourth statement seems to be incorrect. So your answer will be option C, 1, 2 and 3. ओके सो गाइस, इसी के साथ ये सेशन हम ख़त्म करते हैं एंड नाउ विल स्टार्ट, मतलब अगला सेशन जब भी स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का स्टार्ट करेंगे एंड इवनिंग की क्लास को 4:30 PM पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दैट विल बी अ क्लास रिलेटेड टू पॉलिटी, तो डू ज्वाइन दैट सेशन ऑल्सो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।